अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जो हमारी वीडियो है लाइक कैंपेन के ऊपर है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है लाइक कैंपेन। सबसे पहले हमारे जब आपने लाइक कैंपेन क्रिएट करनी है तो आपने क्रिएट के बटन पर क्लिक करना और आप इस विंडो में आ जाएंगे। मैंने इसलिए थोड़ा सा वीडियो की लेंथ शॉर्ट करने के लिए मैंने इसको जो है वो पहले से ही ओपन किया हुआ। जब आप क्रिएट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। ये क्रिएशन टूल है ऐड के लिए फेसबुक का। यहाँ पे आप जो है क्रिएट न्यू कैंपेन पर क्लिक करेंगे। अगर आपकी कैंपेन है, अगर आपने कोई डाटा एग्जिस्टिंग कैंपेन से लेना है तो आप यूज़ एग्जिस्टिंग कैंपेन भी कर सकते हैं और आप उसी कैंपेन को जो है दोबारा डेवलप करके उसमें जो चेंजेस आप करना चाहें आप कर सकते हैं और फिर आप कैंपेन रन कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी यहाँ पर जो आज है वो क्रिएट न्यू कैंपेन है। आज हम न्यू कैंपेन क्रिएट करते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर स्पेशल एड कैटेगरीज हैं। अगर आपके कोई एड्स क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यूज, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स के हैं तो आपने इस ऑप्शन को चेक कर लेना और फिर उसके बाद यहाँ पे आपका जो पेज जिससे रिलेटेड है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना। आप सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने जो है अपने यहाँ पे आ जाना है। अगर आपका नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दें, इसको यूज़ ना करें, इसको यहाँ से अनचेक रहने दें ऐसे। और उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे कंसिडरेशन के टैब में। यहाँ पे ये इंगेजमेंट का हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे तीन ऑप्शंस आती हैं, पोस्ट इंगेजमेंट की, पेज लाइक्स की और इवेंट रिस्पॉन्सेज की। पोस्ट इंगेजमेंट शायद मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस भी किया, तो अगर आप देखना चाहें तो आप यूट्यूब पे या फेसबुक के पेज पे मेरी वीडियोस में जाकर आप सर्च कर सकते हैं और आप वहाँ से पोस्ट इंगेजमेंट ऐड भी देख सकते हैं। अगर नहीं है तो रिसेंटली मैं दोबारा पोस्ट करूँगा उस पोस्ट को, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे पेज लाइक्स की आज हम जो कैंपेन करने जा रहे हैं तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ से आपने पेज लाइक सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपने जो है उसको कोई नाम दे देना कैंपेन को जो आप नाम देना चाहें। क्रिएट ए बी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, इसमें अभी हम फिलहाल ए बी टेस्ट नहीं कर रहे और हम इसको भी आने वाले टाइम में इसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन है, इसको भी हम यूज़ नहीं कर रहे। आज हम यहाँ पर जो है इसको कंटिन्यू कर देते हैं। जैसे हम इसको कंटिन्यू करेंगे हम हमारे एड सेट लेवल में आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास एड सेट नेम है, हम एज इट इज़ जो हमने कैंपेन का नाम रखा वही एड सेट नेम दे देते हैं। फिर हम अपना यहाँ से पेज सेलेक्ट करेंगे। पेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारा जिस कैंपेन हम जिसके लिए रन करना चाह रहे हैं हम यहाँ से पेज सेलेक्ट कर लेंगे। आप याद रखें कि पेज जो है आपका फेसबुक का पेज आपने जब सेलेक्ट करना, आपकी जो कैंपेन रन होती है वो फेसबुक के ऊपर ही रन होती है। आपके अदर नेटवर्क के ऊपर, जैसे आप दूसरे नेटवर्क के ऊपर जाएं, इंस्टाग्राम के ऊपर, ऑडियंस नेटवर्क के ऊपर, इस तरह के नेटवर्क्स पे कैंपेन फेसबुक पे लाइक की रन नहीं होती। इसलिए आपने इसके लिए जो है वो ये नहीं सोचना कि आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई इश्यूज़ है, आपकी सिर्फ कैंपेन न्यूज़ फीड के अंदर रन होगी फेसबुक की। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे ऑडियंस सेक्शन में। ऑडियंस सेक्शन में आने के बाद आपके पास क्रिएट न्यू ऑडियंस है। आप यहां से कस्टम ऑडियंस भी ले सकते हैं, अगर आप कोई लिस्ट है आप वो यूज़ कर लें, या अगर आप कोई जो है आप लोकलाइज ऑडियंस यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इन दो सूरतों में अगर आप यहां पर कस्टम ऑडियंस यूज़ कर रहे हैं, लोकलाइज ऑडियंस यूज़ कर रहे हैं, तो आप यहां से इस ऑप्शन को रिमूव कर दें। कंट्री ऑप्शन रिमूव इसलिए कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने जब कस्टम ऑडियंस बनाई होती है या लोकलाइज ऑडियंस क्रिएट की होती है तो वो हमारी ऑडियंस हमारे उसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए जनरेट होती है जिसके लिए हमने उसे क्रिएट किया होता, तो इसलिए हमें यहाँ पर लोकेशंस में कोई भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम सिंपली जो किसी लोकेशन से आप कर रहे हैं, आपके पास कोई लिस्ट नहीं है, तो फिर आप यहाँ पर आ जाएं और यहाँ से आपने सबसे पहले जो है अपनी लोकेशन में रहते हुए पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन से स्टार्ट करना, या आप और रिसेंटली इन दिस लोकेशन भी आप ले सकते हैं अगर आप जो है ये लाइक कैंपेन करना चाह रहे हैं। अगर आप किसी ट्रैवलर के लिए कोई लाइक कैंपेन यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप ट्रैवलर्स वाली ऑप्शन भी ले सकते हैं, या रिसेंटली जो है वो इन दिस लोकेशन में जो आपके अभी मूव हुए हैं तो आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ये है कि आप इसमें से बेस्ट ऑप्शन ये होती है कि आप पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन सेलेक्ट करें ताकि आपकी उसी लोकेशन में कैंपेन रन हो जहाँ पे आप करना चाह रहे हैं। तो इसमें हम यहाँ पर कंट्री के बजाय हम अपनी स्पेसिफिक सिटी सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ से हमारी कैंपेन रन होनी है। फॉर एग्जांपल हम अपनी सिटी से स्टार्ट लेते हैं। इन केस यू आर इन कराची तो आप यहाँ पर कराची ले लें। कराची लेने के बाद आप जो है इसको यहाँ पर कैंपेन कराची से रन करें।
लाइक कैंपेन इसकी आप सिटी से रन करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, जब आपको फॉर एग्जांपल आपके कस्टमर्स जो हैं वो कराची में ज़्यादा होते हैं, या आपके जो पेज की जो लोकेशन है वो कराची से है, तो आप बेस्ट वे यही है कि आप उसको कराची से स्टार्ट करें, ताकि आपको एग्जैक्ट उसके जो हैं लाइक्स और उसके रिस्पॉन्स रिसीव होने लगें। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एज है, एज रेंज आपने अपनी सिलेक्ट करनी है, आपने अपनी प्रोडक्ट देखनी है, आपने अपनी सर्विसेज देखनी है कि वो किस एज के लिए हैं, किस एज रेंज के लिए हैं, तो आपने यहाँ से स्पेसिफिक एज रेंज सिलेक्ट कर लेनी है। फिर हमारे पास जेंडर है, आपने जेंडर भी इसी तरह देख लेना। फिर उसके बाद आपके पास लैंग्वेजेस हैं, अगर आपके पास लैंग्वेजेस कोई नहीं है, आपको स्पेसिफिक लैंग्वेज का नहीं पता कि वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं जिनको आप टारगेट करने जा रहे हैं, तो आप इसको ब्लैंक रहना है। अदरवाइज सबसे ज़्यादा जो स्पोकन लैंग्वेज है वो इंग्लिश यूएस है। फेसबुक पे बहुत सारे लोगों ने सेलेक्ट भी की हुई है, और डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज भी जो है वो इंग्लिश यूएस में जो है वो सेट होती है, या आपकी कंट्री के मुताबिक जो स्पीकिंग लैंग्वेज है वो भी होती है, तो आप उसका ध्यान रखते हुए यहाँ पर लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं। अगर आप ना करना चाहें तो इसमें इसको आप ब्लैंक रहने दें। फिर उसके बाद यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग है, अगर आप इसमें सजेशन टूल अगर आप जाकर वीडियो देखते हैं मेरी, तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा सजेशन टूल हम कैसे यूज़ करते हैं, और आपका जो इंटरेस्ट है उसके रिलेटेड आपने यहाँ पर डेमोग्राफिक्स इंटरेस्ट और बिहेवियर्स आप यूज़ कर सकते हैं लोगों को टारगेट करने के लिए। और ये जो ऑप्शन है डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन, इसको आप चेक कर दें, इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि फेसबुक आपके बजट में से थोड़ा सा बजट लेगी और वो दूसरों पर स्पेंड करेगी जो बहुत ज़्यादा आपके जैसे इंटरेस्ट रखते हों, तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है हमारे लिए, हम इसमें भी जाके कर सकते हैं। और आपने यहाँ से जो है कनेक्शंस में आपने ले लेना है कि एक्सक्लूड पीपल, अगर आपकी ऑलरेडी कोई पेज लाइक्स हैं देन, अगर आपकी जीरो पेज लाइक्स हैं तो आप इसको बेशक इसी तरह रहने दें, अदरवाइज आपने यहाँ से इसको एक्सक्लूड पीपल हु एंगेज विद योर पेज आपने सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपने अपना पेज नेम टाइप कर देना है। जैसे ही आप अपना पेज नेम टाइप करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे आपने उनको एक्सक्लूड कर दिया जो ऑलरेडी आपके पेज से इंगेज हैं, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने लाइक कर दिया, और कंपेन आप नए कस्टमर्स के लिए जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए आपने यहाँ से उस स्पेसिफिक जो है पेज को ले लेना कि आपकी जो ऑडियंस है वो यहाँ पे एक्सक्लूड हो जाएगी जो आपके ऑलरेडी पेज से कनेक्टेड है। और फिर आपने अपनी ऑडियंस को सेव कर लेना, अपनी ऑडियंस को इसलिए आप सेव कर लेंगे कि आपको बार बार आके चेंजेस ना करनी पड़े, और आप आसानी से यूज सेव ऑडियंस से दोबारा नया ऐड क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हमें जो उसने ऑप्शन दी है यहाँ पर वो दी है पोटेंशियली रीच जो है ना अवेलेबल है, इसके अलावा एस्टिमेटेड डेली रीच जो है इस वक्त वो 11,000 से 31,000 तक आएगी। ये बेसिकली बजट पे डिपेंड करता है कि किस तरह की रीच आ रही है, फॉर एग्जांपल आप 200 से स्टार्ट करते हैं पर डे डेली बजट के हिसाब से, तो वो आपको यहाँ पर बता रहा है कि आपके 824 से 2400 तक की जो है वो रीच आएगी, 1000 तक 2400 तक की रीच आएगी, और फिर पेज लाइक्स आपको 3500 तक आपको डेली पेज लाइक्स मिलेंगे एवरेज पेज लाइक्स। ये एस्टिमेटेड रिजल्ट्स हैं, इसमें आपने जो है वो परेशान नहीं होना, ये एस्टिमेटेड रिजल्ट्स होते हैं, और जो है ऑलमोस्ट इतना ही फ्रिक्वेंसी काम करती है। अगर आप इस डेट रेंज रखना चाहते हैं तो आप डेट रेंज रख लें, आपने ऐड कब से कब तक रन करना है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने इसको डेली बजट पे सिलेक्ट करना है तो आप डेली बजट पे करें, बेस्ट वे यही होता है कि आप इसको 24 आवर रन होने दें, ताकि समटाइम फेसबुक के यूज़र जो हैं वो इवनिंग में यूज़ कर रहे होते हैं फेसबुक, समटाइम्स डे में, समटाइम्स मॉर्निंग में, समथिंग लाइक दिस। आप जो है फिर उस तरह आपकी कंपेन जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट निकाल लेती है। फिर आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो है ऐड फॉर्मेटिंग आ जाएगी, आपने ऐड फॉर्मेट करना अपना, यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी जो है वो आपका फेसबुक पेज है, तो आपने इसको ऐसे ही रहने देना। अगर आप चेंज करना चाहें, कोई और पेज सेलेक्ट करना चाहें, तो आप इससे चेंज पे क्लिक करके कर सकते हैं। देन आपके पास यहाँ पर जो है वो फॉर्मेट जो है इसमें आ जाएगा आपके ऐड का फॉर्मेट, यहाँ पे आप जो है सिंगल इमेज और वीडियो आप यूज़ कर सकते हैं, एक वीडियो जिससे आप अपना ऐड क्रिएट करेंगे, आप अपनी जो है वीडियो को क्रिएट करने के बाद अपना यहाँ से मीडिया सेलेक्ट करेंगे, टर्न इनटू वीडियो, अगर आप कोई इमेजेस हैं तो आप उनको वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई एडिट इमेज पर क्लिक करते हैं, आप चेंज इमेज को क्लिक करते हैं तो आपके सेलेक्ट इमेजेस का ऑप्शन आ जाएगा, इमेज का टूल आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, आपके पास जो अकाउंट इमेजेस हैं वो शो होने लग जाएंगी, या आपके पास पेज इमेजेस हैं वो आ जाएंगी, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसमें से कौन सी इमेज लेनी है, या फिर स्टॉक इमेजेस। स्टॉक इमेजेस बहुत ज़बरदस्त तरीका है आपको आपके जो कस्टमर हैं उनके अंदर
ट्रस्ट पैदा करने का। स्टॉक इमेजेस जो है फ्री स्टॉक इमेजेस हैं, आप इसको जो है बिल्कुल जो है शटर स्टॉक ने इसको फ्री ऑफ यूज़ आपके लिए दिया, आप इसको फ्री यूज़ कर सकते हैं अपनी इमेजेस में से। यहाँ से आप कोई भी इमेज जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने कोई इमेज लेनी है तो यहाँ पे आप सर्च में आकर टाइप करेंगे तो आपके रिलेटेड इमेज आपके सामने आ जाएगी और आप उससे जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन जो थी वो हम कोई भी ऑप्शन इसमें से ले लेंगे, जो भी हमें ऑप्शन रिक्वायर्ड है, या हमारी कोई वीडियो है तो आप यहाँ पर क्लिक करते हुए जो है आप अपनी वीडियो को भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, अपनी वीडियोस को ऐड कर सकते हैं एडिट इमेज से। फिर उसके बाद यहाँ पर आप उसी अगर आप क्लियर कर दें तो आपको आइडिया हो जाएगा। आप यहाँ से मीडिया, आप वीडियो या इमेज ले लेंगे, दोनों आपके पास ऑप्शन है, या आप स्लाइड शो क्रिएट कर सकते हैं या आप वीडियो जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आप जो है सबसे बेस्ट यही होता है कि आप अपनी जो मीडिया है उसको यूज़ करें, जो आपके पास अपने वीडियो एड्स रिलेटेड आपने बनाए हुए हैं आप उनको यूज़ करें। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट है, आप यहाँ पर टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट ले लें कि आई एम टीचिंग सोशल मीडिया फॉर फ्री, तो अगर आप यहाँ पर इसको लिखते हैं तो अभी कुछ ही देर में आप यहाँ पर ऐड जो है वो एडिशनली यहाँ पर शो होना लग जाएगा आपका टेक्स्ट। यहाँ पे ऐड में आपका ये प्रीव्यू आ रहा है, प्लेसमेंट जो है वो एक ही है, जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूज़ फीड में आपका ऐड डिस्प्ले होगा और जो है सारे लोग वहाँ से जाके आपका ऐड देख सकेंगे न्यूज़ फीड से, अपनी न्यूज़ फीड में जहाँ पर आपने टारगेटिंग की है उस तरह। फिर उसके बाद यहाँ पर आप जो है अपना ऐड का जो प्रीव्यू है वो देख सकते हैं और देन उसके बाद आप यहाँ पर ट्रैकिंग कर सकते हैं। अगर आपने फेसबुक पिक्सल अपना कोई बनाया हुआ तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन लाइव कैंपेन में फेसबुक पिक्सल ऑन करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो है वेबसाइट के लिए बहुत ज़्यादा काम है। तो उसके बाद हम जब कंफर्म पर क्लिक करेंगे थोड़ी बाद आपकी फेसबुक जो है उसको रिव्यू करेगी, रिव्यू करने के बाद आपको जो है वो बता देगी आपका ऐड अप्रूव हो गया। आपका ऐड अप्रूव होने के बाद आपकी कैंपेन रन हो जाएगी। तो ये था पेज लाइक्स कैंपेन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक जरूर कर दें, दूसरों को शेयर कर दें और मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।